विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी अरब के दौरे पर हैं। रियाद में वो जीसीसी यानी भारत खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान कई देशों के साथ विदेश मंत्री की द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जीसीसी भारत के बड़े व्यापारिक साझेदार हैं और ये बैठक सहयोग को और बढ़ाने का अवसर है। दोस्तों, इंडिया और जीसीसी की जो फर्स्ट एक मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है, उसमें अगर आप देखें तो जो ज्वाइंट कम्युनिके है या जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए सोच लेना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड में अहमियत थी वो खत्म हो गई है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर फर्स्ट टाइम इंडिया गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल को अटेंड कर रहे हैं और बात की जाए तो इसमें 6 पावरफुल इस्लामिक कंट्रीज आती हैं जीसीसी में, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, और इनके फॉरेन मिनिस्टर्स को डॉक्टर एस जयशंकर ने एक टेबल पर लाकर इकट्ठा कर दिया। तो भारत के जी फॉरेन मिनिस्टर गए हैं सऊदी अरब और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से जी उनकी मीटिंग हुई है और आगे वो इसी चीज को लेकर चलेंगे कि भारत और सऊदी अरब किस तरह से काम कर सकते हैं। हम पहले उस देखे जाते थे ब्रैकेट में इंडिया पाकिस्तान, वो गेम खत्म हो गई है। नाउ इंडिया इज बीइंग कंसीडर्ड एज ए मिडल ईस्टर्न पावर। नाउ इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ ए पावर इन मिडल ईस्ट। आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था। दिया बहुत बड़ी जीत है और ये वही जीत है जिसकी हम पिछले एक साल से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है इस्लामिक कंट्रीज की तरफ बहुत ज्यादा अपनी अटेंशन पे कर रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, जो कि जाहिर है कि सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको भारत के साथ काम करते हुए ना तो कोई प्रॉब्लम है और ना ही उनका ईमान खराब होता है, ना ही उनके रिलीजन को कुछ होता है, लेकिन वो आराम सुकून से भारत के साथ काम कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, भारत ने एक इनिशिएटिव शुरू किया कि जितने भी जीसीसी के देश हैं, जीसीसी की अगर हम बात करें तो ये जो सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, ये देश नहीं है जो रिच ऑयल और गैस रखते हैं और यहाँ पे किंग, प्रिंस, इन सब का टाइप का शासन होता है। इन देशों के साथ जो है भारत ने बहुत ज़बरदस्त इंगेजमेंट की है। भारत ने बहुत सारी इसमें बातें की हैं कि भाई इन देशों के साथ भारत अपने रिलेशन और आगे चाहता है और इन देशों के साथ मिल के भारत अपना भी विकास करना चाहता है और इनका खुद विकास करना चाहता है। क्योंकि अगर बात करें ये यूएई, बहरीन, कतर, तो ये भारत के छोटे छोटे राज्य के बराबर भी मान लो हैं, ठीक है। तो भारत चाहता है भाई मिलजुल के विकास किया जाए और ये जो मुस्लिम हैं, ये हैं, वो हैं, इन सबको साइड में रखा जाए, ठीक है। 140 करोड़ की मार्केट है भारत, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उनकी डिमांड भरना है तो जाहिर सी बात है मार्केट भारत बड़ी है, ठीक है। भारत में भी पैसा है, इन देशों के पास भी पैसा है, तो एक दूसरे के साथ अगर मिलजुल के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ़ायदा होगा, यही भारत डिस्कस कर रहा है। अब क्योंकि पाकिस्तान को ये देश मुंह नहीं लगा रहे सऊदी अरेबिया टाइप, तो पाकिस्तान जला हुआ है कि यार हम मुस्लिम हैं तो हमारा कोई मुस्लिम देश साथ क्यों नहीं दे रहा। भाई मुस्लिम होने से कुछ नहीं होता। एक तो पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए सोच लेना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड में अहमियत थी वो खत्म हो गई है। हम पहले उस देखे जाते थे ब्रैकेट में इंडिया पाकिस्तान, वो गेम खत्म हो गई है। नाउ इंडिया इज बीइंग कंसीडर्ड एज ए मिडल ईस्टर्न पावर। नाउ इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ ए पावर इन मिडल ईस्ट। आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था, आज से 15 साल पहले ऐसे नहीं था। आज मिडल ईस्ट देख रहा है, दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं उनको एज एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी, एंड वो देख रहे हैं कि वहां बिजनेस मॉडल्स के तौर पे देखे जा रहे हैं। आज मिडल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इंडिया के एकेडमिक्स के स्टूडेंट से, जर्नलिस्ट से, बिजनेस कम्युनिटी से उनसे बात कर रही है, उनको देखना चाह रही है। अब ये जो डिस्कशन मिडल ईस्ट के हवाले से इंडिया मिडल ईस्ट स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है जीसीसी का, डॉक्टर जयशंकर ने 3 अल्फाज कहे हैं, पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, बिकॉज उनको पता है कि मिडल ईस्ट के लोग डेमोक्रेसी और इस तरह की चूरन पसंद नहीं करते। दे टॉक अबाउट पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। मजे की बात है चाइनीज भी यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज भी कॉमन स्ट्रेंथ, दिस इज अ चाइनीज वर्ड फॉर इट्स इन्फ्लुएंस व्हेन इट वांट्स टू गेट एंगेज विद द वर्ल्ड, कॉमन सिक्योरिटी, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ। अब मुझे ये बताएं जीसीसी के साथ उन्होंने जब बात की है डॉक्टर जयशंकर ने, तो किस चीज की बात की? हिस्ट्री की, कि इंडिया का हिस्ट्री आपके साथ मिलती है, कल्चर की बात की है और शेयर्ड वैल्यूज की बात की है, तीन चीजों की बात की है। सो इट मींस वो कह रहे हैं कि हमें इस्लामिक लेंस से ना देखें, हमें हिस्ट्री से देखें, हमारा कल्चर एक है, हमारी वैल्यूज एक है।
और आगे वो कहते हैं कि आए इकोनॉमी पे फोकस करें, आए एनर्जी आपके पास है वो हमें दें, आए डिफेंस मजबूत करें यानी कि हमसे हथियार लेने की कोशिश करें अगर हम आपको दें, आए हम जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी शाखें अरब वर्ल्ड में खोलें, टेक्नोलॉजी की बात करें, एजुकेशन की बात करें कि आए आपके बच्चे हमारे पास आए और हमारे बच्चे आपके पास आए, पीपल टू पीपल टाइज यानी कि हमारा 1 करोड़ बंदा है उसमें से और बंदे रखें। सो दैट इज वाई वो अपनी सारी की सारी गेम को पीपल प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस के गेम में रख रहे हैं। सो वो कह रहे हैं कि ये जो 9 मिलियन लोग हैं तकरीबन 1 करोड़ बंदा है जो बैठा वहां पर बैठा हुआ है, ये है वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक इंपॉर्टेंट बेड रॉक है रिलेशनशिप का। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर ए जयशंकर फर्स्ट टाइम इंडिया गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल को अटेंड कर रहे हैं और बात की जाए तो इसमें 6 पावरफुल इस्लामिक कंट्रीज आती हैं जीसीसी में, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, ओमान है और इनके फॉरेन मिनिस्टर्स को डॉक्टर ए जयशंकर ने एक टेबल पर लाकर इकट्ठा कर दिया। बहुत बड़ी जीत है और ये वही जीत है जिसकी हम पिछले 1 साल से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है इस्लामिक कंट्रीज की तरह बहुत ज़्यादा अपनी अटेंशन पे कर रहा है, क्योंकि इंडिया इस वक्त जो है ग्लोबल साउथ का लीडर होने के साथ, साउथ अफ्रीका का हेड बनने के बाद अब गल्फ कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा जो है डोमिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इस मीटिंग के एजेंडे की बात करें तो बायलैटरल टॉक के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर हम बात करें डॉक्टर एस जयशंकर की तो उन्होंने ओपनली बोला है कि हमारे जो है कम से कम 8.9 मिलियन के करीब जो इंडियंस हैं इन गल्फ कंट्रीज में आपको जी सर्व कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स हैं। इस एतबार से जो है इंडिया की इंपॉर्टेंस गल्फ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने बनाई थी ओआईसी एक बहुत बड़ी पावर थी जो पाकिस्तान के पास थी, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत की जा रही थी कि ये कश्मीर की रिहाई के लिए काम करेगा, लेकिन आज वो ओआईसी के जो मेम्बर्स हैं वो इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडिया के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कोई भी पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम इन जीसीसी कंट्रीज की बात करें दोस्तों तो इनकी और इंडिया के बीच 190 मिलियन डॉलर की ट्रेड है और इस मीटिंग के बाद ये ट्रेड जो है डबल होने जा रही है। सो आवाम से बात करते हैं कि इंडिया जो है अब इस्लामिक कंट्रीज का भी लीडर बनने जा रहा है। तो भारत के जी फॉरेन मिनिस्टर गए हैं सऊदी अरब और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से जी उनकी मीटिंग हुई है और आगे वो इसी चीज को लेकर चलेंगे कि भारत और सऊदी अरब किस तरह से काम कर सकते हैं। जी हां, कहा यह भी जा रहा है कि ये इंडिया गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है जिसमें के डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो सऊदी अरब पहुंचे हैं और वहां पर ये लोग मिलकर जो है दोनों कंट्रीज मिलकर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगी। अब कितना ही अच्छा होता अगर पाकिस्तान ने भी भारत के साथ टर्म्स अच्छे रखे होते। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, जो कि जाहिर है कि सारी ही मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको भारत के साथ काम करते हुए ना तो कोई प्रॉब्लम है और ना ही उनका ईमान खराब होता है, ना ही उनके रिलीजन को कुछ होता है, लेकिन वो आराम सुकून से भारत के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है जी, और ट्रेड तो ऑलरेडी उनकी बहुत ज्यादा है और वो सारी चीजें हैं और किसको नहीं पता कि इंडिया का जो असल मकसद है दैट इज टू टैप टू द एनर्जी सप्लाई चेन। एनर्जी की सप्लाई चेन को कैसे, एक वक्त था कि अमरीका ने अरब वर्ल्ड के साथ जो इतनी कुर्बत रखी उसकी यही वजह थी एनर्जी सप्लाई चेन, इसको कैसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, सो आज इंडिया समझता है कि हम उभरती हुई इकोनॉमी है, पॉपुलेशन है, हमें एनर्जी चाहिए। सो एज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट एंड ए लार्जेस्ट मार्केट, जो इंडिया का फ्यूचर जो है वो मिडल ईस्ट के साथ अटैच है। दिस इज व्हाट दे बिलीव, वन कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग सेटल नहीं है वो मिडल ईस्ट में जाके सेटल हों, और दूसरा यह कि हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि हमें आपकी जो कमोडिटी है वो चाहिए। तो दोस्तों पाकिस्तान का मुस्लिम कार्ड धीरे धीरे पूरी दुनिया में फेल होते जा रहा है। कोई भी देश अब इस हिसाब से पाकिस्तान की मदद नहीं करने वाला कि यार हम भी मुस्लिम हैं, तुम भी मुस्लिम हो, हम भी आतंक करते हैं, तुम भी, वही देश साथ दे सकता है जो आतंकवाद फैलाने में विश्वास रखता हो। जैसे तुर्की नो डाउट पाकिस्तान का साथ दे सकता है क्योंकि तुर्की आतंकवाद में भरोसा रखता है, तुर्की कई जगह आतंकवाद को फंडिंग करता है, यूरोप में ये जो इस्लामाइजेशन हो रहा है इसके पीछे तुर्की का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तुर्की अच्छी खासी मात्रा में फंडिंग कर रहा है, और भी 2-4 देश है जो अपने फायदे के लिए, जैसे अमरीका कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान की मदद कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। चाइना तो कर ही रहा है, ये मिला जुला के 2-4 देश है जिनकी वजह से पाकिस्तान चल रहा है, वरना एक वेल नोन स्टेट जो उल्टे सीधे काम नहीं करती जैसे भाई यूएई, सऊदी, ये सब जो ठीक है जो सीधे रास्ते पे बिलीव रखते हैं, जो ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते, वो तो पाकिस्तान की हेल्प नहीं करने वाले। अब वो वाला कार्ड बहुत पुराना हो गया कि भाई मुस्लिम है,
अब मुस्लिम हो तो क्या हो गया, पूरी दुनिया में तो तुमने ऐसी तैसी कर रखी, मक्का मदीना में जाके चप्पलें चुरा रहे हो। मदीना के बाहर लोग चप्पल उतार जाते हैं, अब उसमें से जो महंगी चप्पलें होते हैं पाकिस्तानी उसको चुरा के बाजार में बेचने लगते हैं। ये गंदी गंदी हरकतें ये कर रहे हैं, फिर कहते हैं इस्लाम के नाम पर ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसी की तैसी, इस्लाम के लिए, मक्के के लिए, काबा के लिए। बेटा काबा में जाके भीख मांग रहे हो, चप्पलें चुरा रहे हो, पहले ये तो बंद कर लो, फिर तो इस्लाम के लिए कुछ करना। जेब कतरियां कर रहे हो यार तुम अपने मक्का मदीना में, इससे ज़्यादा होली प्लेस मुस्लिमों के लिए कहा जाता कुछ नहीं है। कुरान के लिए तुम कहते हो यार जान हाजिर है, लेकिन वहीं पे जाके तुम जेब कतरियां कर रहे हो, लड़कियां छेड़ रहे हो, क्या ये पता नहीं क्या कुरान में सीख रहे हैं।